सुनिए जी, खाना तैयार है। माँ जी और पिताजी को भी दे दिया है। आप भी तो ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं। आप भी नाश्ता करके जाइए ना। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा। ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। एक जरूरी मीटिंग है। तुम एक काम करो, तुमने जो भी बनाया है वो टिफिन बॉक्स में पैक करके मुझे दे दो। और हाँ, आज से कुछ दिन ऑफिस से लौटने में रात हो जाएगी। ऑफिस में काम बढ़ गया है क्या? क्यों, तुम्हें इससे क्या? वो तुमने कहा ना कि रात को देर से लौटोगे, इसलिए पूछ रही थी। किस वजह से देर से लौटूंगा, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा तुम घर के काम पर ध्यान दो। मेरे पास अभी तुम्हारे साथ बात करने का समय नहीं है। मैं चलता हूँ। ये सब देखकर केशव की माँ शोभा को मन ही मन बहुत बुरा लगता है। बेटे के निकल जाने के बाद शोभा अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, उदास मत हो, धीरज रखो, सब सही हो जाएगा। और कितने दिन माँ जी? हमारी शादी हुए 2 साल बीत गए, लेकिन हालात में कोई सुधार ही नहीं है। मैं तुम्हारी मन की हालत समझती हूँ। सभी रिश्ता एक जैसा नहीं होता है ना। धीरज रखो, देखना एक दिन कैसे केशव तुम्हारी हर बात मानने लगेगा। तुम एक काम करो, कुछ दिन अपनी मायके होकर आओ। अपनी माता पिता से मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, आज रात केशव के लौटने के बाद उसको पूछ लेती हूँ। उसने अगर हाँ कर दिया तो कल चली जाऊंगी। मन ही मन शर्मिली बहुत दुखी थी। उन दोनों की शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन शुरू से ही पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं रहा। पहले पहले शर्मिली को लगा था कि समय देने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब शर्मिली बहुत दुखी रहने लगी। उसे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बहू, मेरा बेटा हमेशा घर से ज्यादा बाहर समय बिताता है, अपने दोस्तों के साथ ही हमेशा रहता है। बहू आएगी तो इसका मन घर में रहेगा, ये सोचकर हमने इतनी जल्दी तुम दोनों की शादी करवा दी। लेकिन ऑफिस के नाम पर ऐसे देर रात तक बाहर रहने से नहीं चलेगा, तुम्हें उसे समझाना होगा। लेकिन पिताजी, वो तो मुझसे ठीक तरह से बात ही नहीं करता है, तो मैं आपके बेटे को कैसे समझाऊं? एक बात कहूं पिताजी, आपने मेरे पिताजी को वचन दिया था, वो अलग बात है, लेकिन शादी से पहले अपने बेटे के मन की इच्छा आप लोग जान लेते तो अच्छा होता। शर्मिले की बात सुनकर केशव के पिताजी अतीत में खो जाते हैं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी बेटी शर्मिली की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है। जब तेरी बेटी और मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मैं खुद उन दोनों की शादी करवा दूंगा। शर्मिली मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी, ये मेरा वचन है तुझसे। बेटा, तुम अब शादी के लायक हो गए हो। तुम तो जानते ही हो कि मैंने बहुत साल पहले तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, तो सोचता हूँ दोनों की शादी करवा दूं। लेकिन पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने मेरे दोस्त और शर्मिली के पिताजी को मरते वक्त वचन दिया है। गांव में सभी इस बात को जानते हैं। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, ये मेरे इज्जत का मामला है। अतीत के बारे में सोच केशव के पिताजी गंभीर होकर वहां से चले जाते हैं। उसी दिन बहुत रात तक शर्मिली खाना लेकर केशव का इंतजार करती रहती है। तुम मेरे लिए इंतजार क्यों कर रही थी? मैंने तो कहा था कि मुझे आने में रात हो जाएगी। तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। ठीक है, मैंने बिस्तर बना रखी है, आप चेंज करके सो जाइए। केशव अंदर चला जाता है। शर्मिली उदास मन से वहीं बैठी रहती है। तभी शोभा पानी पीने के लिए वहां आती है। अरे बहू, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? जल्दी खाना खाकर सो जाओ। और हाँ, केशव से मायके जाने के बारे में बात किया है ना? नहीं, अभी तक नहीं की, कर लूंगी। ठीक है, कल केशव के ऑफिस चले जाने के बाद मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारी मायके छोड़ाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं अकेले चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं बहू, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी,
तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारी माँ के साथ दो चार बात भी हो जाएगी। अभी तुम सो जाओ। शर्मिली कुछ भी नहीं कहती। काम खत्म करके कमरे में आकर देखती है कि केशव सो गया है। तब केशव के माथे पर हाथ रखकर शर्मिली बोलती है, सो गए हो क्या? पूरे दिन क्या किया और क्या खाया मुझे कुछ नहीं बोलोगे? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, तुम भी सो जाओ। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। माँ जी कह रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए मायके हुआ हूँ, आप क्या बोलते हैं? मैं जाऊँ क्या? ठीक है जाओ, जितने दिन मन हो बिता कर आना। ये बोलकर केशव दूसरी तरफ मुड़कर फिर से सो जाता है। अगले दिन सुबह केशव हर रोज की तरह ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद शोभा शर्मिली को उसकी मायके लेकर जाती है। अरे बहन जी, आप आए हैं मेरी बेटी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहू को लेकर चली आई। मेरा बेटा तो उसके ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी रहता है, इसलिए बहू को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाता, तो मैंने सोचा बहू को लेकर मैं ही आ जाती हूँ। आपसे मिलेगी तो बहू का मन भी थोड़ा बहल जाएगा। लेकिन जया शर्मिली को देखकर समझ जाती है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बात करने के बाद शोभा वहाँ से चली गई। बाद में शर्मिली केशव से बात करने के लिए फोन लगाती है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. उनका फोन तो लग ही नहीं रहा है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उसके ऑफिस चली जाती हूँ। दोनों एक साथ कहीं बैठकर लंच कर लेंगे। शर्मिली तैयार होकर दोपहर को केशव के ऑफिस पहुँच गई। केशव जी ऑफिस में है क्या? मैं उनकी वाइफ हूँ। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन केशव सर तो कल से 4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं। ये सुनकर शर्मिली चौंक गई। फिर से वो केशव को कॉल लगाई। इस बार नंबर लग गया। हाँ बोलो। आपका नंबर बहुत देर तक ट्राई कर रही थी, लेकिन नॉट रिचेबल आ रहा था। कहाँ हैं आप? क्यों, क्या बात है? मैं ऑफिस में हूँ और बहुत बिजी हूँ। आप कहाँ बिजी है केशव जी? मैं तो आपकी ऑफिस के रिसेप्शन में ही खड़ी हूँ। इन लोगों ने कहा है कि आप कल से 4 दिन की छुट्टी पर है। ये सुनकर केशव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम अभी घर जाओ, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। नहीं केशव जी, बाद में नहीं, अभी जाननी है मुझे। मैं यहीं आपकी ऑफिस के सामने इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद केशव वहाँ आता है। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। ठीक है, तुम्हें आज सब बोलता हूँ। तुम्हें मैं कभी भी खुशी नहीं दे पाऊंगा। मैं बचपन से ही अपनी दोस्त राहुल से प्यार करता हूँ। बस माँ बाबा के वजह से तुमसे शादी करनी पड़ी, लेकिन हमारे रिश्ते को कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो बोलो अब मैं क्या करूं? सब सुनकर शर्मिली को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो केशव का साथ देने के लिए तैयार हो गई। मैं तुम दोनों का साथ दूंगी और सबको मनाऊंगी भी, ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद शर्मिली सबको मनाने की कोशिश करती है। पहले पहले तो कोई भी नहीं मान रही थी, लेकिन शर्मिली के बहुत समझाने पर केशव और राहुल के रिश्तों को सब मान लेते हैं। फिर केशव और राहुल की रजिस्ट्री मैरिज हो जाती है और शर्मिली केशव को डिवोर्स देकर एक नौकरी ज्वाइन कर लेती है। दोनों अलग से अपना अपना जीवन खुशी से बिताते हैं।